ਘਰੇਲੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨਾਮਵਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਿਤ ਹੋ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਆਨੰਦ ਕਲੀਨਿਕ ਜੀਂਦ ਹਰਿਆਣਾ। अगर आप बालों का झड़ना, डैंड्रफ, जोड़ों का दर्द, चमड़ी रोग, फुलवेरी, शुगर, कद का ना बढ़ना, बवासीर, हर्बल चाय या अंदरूनी कमजोरी से परेशान हो तो इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही कॉल करें कॉन्टेक्ट 9999 9781998142। हेल्थ इज वेल्थ। आदाब नमस्कार, सत श्रीकाल। मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेल्थ इज वेल्थ। और एक बार फिर से हम हाजिर हैं आयुर्वेद से जुड़े हुए बहुत सारे इलाजों को लेकर और बहुत सारी ऐसी बीमारियों को लेकर जिनका इलाज आयुर्वेद में संभव है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्हें अक्सर आप किसी और से शेयर करने से कतराते हैं या जिन्हें अवॉइड करते हैं। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर आदर्श गुप्ता। डॉक्टर साहब, इस प्रोग्राम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दी कला टाइम टीवी के सभी दर्शकों को आनंद क्लिनिक जींद की तरफ से डॉक्टर आदर्श गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, पहले भी हम आपके साथ प्रोग्राम कर चुके हैं, पहले भी इस प्रोग्राम पर आ चुके हैं, दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दे चुके हैं। कैसा रिस्पांस रहा दर्शकों का आपको? बहुत बढ़िया रहा है जी। और हमारा तजुर्बा इस मामले में बहुत ठीक रहा है जी। और दर्शकों का सहयोग हम आगे भी चाहते हैं जी। डॉक्टर साहब, सेक्स से जुड़ी हुई बीमारियों का आप इलाज करते हैं आयुर्वेद में। अक्सर लोगों की ये धारणा होती है अगर हम आयुर्वेद में अपना इलाज करवा रहे हैं तो इलाज बहुत लंबा चलेगा या जल्द असर नहीं करेगा या जल्द कारगर नहीं साबित होता। क्या जो ऐसी धारणाएं हैं, आप लोगों की किस तरह से जो है इनको खत्म करते हैं? हमारी दवाइयां आयुर्वेदिक हैं लेकिन पूरी इफेक्टिव हैं जी। और रिजल्ट आपको 5 से 7 दिन के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा जी। और 2 से 3 महीने के हमारे कोर्स रहते हैं जी। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो आप अपनी संस्था में बनाते हैं और जिनसे जो लोगों का इलाज है वो संभव है? हमारे संस्था में गोली कैप्सूल की फॉर्म में दवाइयां बनाते हैं जी। हम कोई भी चूर्ण या पुड़िया के रूप में किसी भी पेशेंट को दवाई नहीं देते जी। उसमें पुड़िया में क्या होता है, जो डॉक्टर्स पुड़िया इस्तेमाल करते हैं उनमें एलोपैथिक दवाई पीसी होती है या फिर स्टीराइड मिला देते हैं जी। जिससे पेशेंट को फायदा तो होता है लेकिन नुकसान ज्यादा होता है जी। डॉक्टर साहब, इससे जुड़ी हुई कौन कौन सी बीमारियों पर अब तक आयुर्वेद ने है जो सफलता हासिल की है? सेक्स से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज जी आयुर्वेद में ही संभव है। अंग्रेजी दवाइयों से या ये कह सकते हैं एलोपैथिक दवाई में संभव नहीं है जी। और हम आयुर्वेदिक पद्धति से ही इन सभी बीमारियों का इलाज करते हैं जी। जैसे कि आपने बोला कि आयुर्वेद पद्धति से आप इनका इलाज करते हैं, कोई और तरह के ट्रीटमेंट्स भी दिए जाते हैं आपकी संस्था में आयुर्वेद से जुड़े हुए? हाँ, हमारी संस्था में सेक्स से अलावा और बीमारियों के भी इलाज करते हैं, जैसे मोटापे के लिए जी, मोटा होने के लिए, दर्दों के लिए जी, काफी चीजों का करते हैं हम जी। लेकिन जो हमारा मेन मकसद है जी, वो सेक्स से संबंधित ही रहता है जी। क्योंकि इस तरह की बीमारी का मरीज हर किसी से शेयर नहीं कर पाता जी। तो हम अपने दर्शकों को ये अनुरोध करते हैं बल्कि कि वो आप बेहिचक अपना फोन पे हमसे कांटेक्ट कीजिए या हमसे मिलके अपनी राय मशवरा लीजिए। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें बीमारियों की तो मुझे अगर लगता है तो बीमारियां हमारे शरीर में 2 तरह की होती है, एक मानसिकता से जुड़ी हुई, एक शारीरिक रूप से एक प्रॉपर बीमारी का जिसे हम नाम दे सकते हैं। फोन पे लोग आपको बात करते हैं, संपर्क करते हैं, जो दूर दराज से होते हैं या जो विदेशों में बैठे हुए हैं इस समय लोग भी जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो भी ऐसी किसी बीमारी से ग्रसित है, अगर ऐसे लोग आपको फोन करते हैं तो किस तरह से आप अपने पेशेंट को एनालाइज करते हैं, किस तरह से आपको पता लगता है कि ये बीमारी सिर्फ एक मानसिकता है या शारीरिक रूप से ये जो बंदा है ये बीमार है? ये जो है, मतलब अगर पेशेंट ये बताता है कि मैंने बचपन में काफी गलतियां की हैं जी,
अगर हम लिमिट में अगर ये काम करते हैं तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती जी। लेकिन जब ओवर लिमिट करते हैं जी। या ये कह सकते हैं हम डेली या डेली दो दो तीन तीन बार करते हैं जी। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं जी। और उसका मन से कोई संबंध नहीं रहता जी। मन से संबंध जब रहता है जब फिजिकली मरीज ठीक होता है लेकिन लेडी के पास जाने से घबराता है जी। तो वो मन से संबंधित है जी। अगर मरीज को पूरी टाइटनेस नहीं होती या हार्डनेस नहीं आती या कड़ापन नहीं आता तो वो शारीरिक रोग है जी। इससे हमें पता चल जाता है जी। कि ये शारीरिक है या मानसिक है जी। डॉक्टर साहब, ऐसे रोगों का जो लाभ जो आप इलाज है वो आयुर्वेद में करते हैं तो क्या ऐसा भी है कि जितनी बीमारी पुरानी हो उतना जो असर है वो धीरे होता है या उतनी जल्दी बीमारी ठीक नहीं हो पाती, क्या ऐसी भी कोई धारणा है? हाँ, जितना भी रोग पुराना होगा उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा जी। और जैसे अब मेरे पास एक पेशेंट आया था जी, तो वो काफी बिल्कुल खत्म ही हो चुका था जी, और कम से कम 1.5 लाख रुपया वो अपनी बीमारी पे खर्च कर चुका था जी। अब हमारी दवाई से वो 15 दिन में ही उसके मेरे पास 10 बार फोन आ चुका कि मैं अब संतुष्ट हूँ जी। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं नंबर, लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप इन्हें मिल सकते हैं, इनकी क्लिनिक जींद में है, आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं या अगर नहीं विजिट कर सकते तो फोन पर इनसे संपर्क कर घर बैठकर दवाई है जो मंगवा सकते हैं। खास करके अब मैं जो विदेश में लोग हैं उनके लिए कहना चाहूंगी, जो विदेश में लोग बैठे हैं और इस बीमारी से ग्रसित हैं और ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हमारे अकाउंट्स नंबर लिखे हुए हैं, अब इन पर अपनी पेमेंट जमा करवा सकते हैं, जो दवाई है इनकी उस दवाई का घर बैठकर इलाज करवा सकते हैं और दवाई आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। डॉक्टर साहब, इन बीमारियों के बारे में अगर हम बात करें, क्या स्त्री या पुरुष, महिला या हम अगर पुरुष की बात करें, अक्सर अगर हम महिलाओं को देखें या उनके पतियों को देखें, उनके पार्टनर को देखें तो एक ईगो वाली भावना उनके पार्टनर्स के अंदर होती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता या मुझे ऐसी बीमारी नहीं है, ये सब स्त्रियां कभी ना कभी घबराती हैं ऐसे बात करने के लिए, तो क्या ऐसा भी संभव है अगर महिलाएं आपको कॉल करती हैं या अपने पार्टनर के बारे में बताती हैं तो उनको बिना पते उनका इलाज, बिना उनका पता चले इसका इलाज हो सकता है? देखिए, बिना पता किए तो इलाज असंभव ही है जी। लेकिन क्योंकि हमारी दवाइयाँ आयुर्वेदिक होने के कारण जी कलर्ड होती हैं जी, ठीक है ना, तो उसमें हम जिस भी चीज में देंगे जी तो मरीज को पता चल जाता है भाई दवाई है इसमें जी। लेकिन अगर मरीज थोड़ा सा भी हमारे को कोऑपरेट करे जी तो इलाज उसका बिल्कुल संभव है और हम करते हैं जी। इन बीमारियों को लेकर अगर किसी की शादी में रुकावट आ रही है तो उसकी वजह से अगर वो उसकी शादी नहीं हो पा रही है, उसको लगता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो जिंदगी किसी ना किसी की खराब होगी, जो ऐसे निराश मरीज होते हैं, जो ऐसे निराश पेशेंट होते हैं, उनके लिए ये जो आयुर्वेद में जो भी आपने बताई हैं दवाइयां जो आपने बनाई हैं अपनी संस्था में जो बन भी रही हैं, वो कैसे उनकी सहायता कर सकती हैं? हमारे पास ऐसे हजारों मरीज आ चुके हैं जी, जो शादी करने से घबराते थे जी, और सुसाइड करने की सोच रहे थे जी, लेकिन हमारे आयुर्वेदिक इलाज से वो बिल्कुल खुशहाल जीवन जी रहे हैं और बच्चों वाले हो चुके हैं जी, और जिंदगी अपनी बढ़िया जी रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि ऐसे लोगों को एक नई जिंदगी दी है डॉक्टर आदर्श गुप्ता ने अपने दवाइयों के जरिए। आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद एक ऋषियों मुनियों से चलता आ रहा एक ऐसी पद्धति है जो आज भी हमारे देश में कायम है और आज भी लोगों को उनकी बीमारियों से जो निजात दिलवा रही है। बस जरूरत है इन बीमारियों से दूर रहने की और जरूरत है आयुर्वेद को समझने की और इसमें अपना इलाज करवाने की। और अगर हम आयुर्वेद के बारे में बात करें तो अगर हम आपको बता दें तो इस आयुर्वेद का कोई भी नुकसान नहीं है, इनकी दवाइयां आपको पूर्ण रूप से लाभ भी पहुंचा सकती हैं। दवाइयों की अगर हम बात करें तो किस तरह से आप जो है अपनी संस्था में दवाइयां बनाते हैं डॉक्टर साहब? हमारी दवाइयां हमारी देखरेख के अंदर ही और टीम वर्क के तहत हमारी दवाइयां बनती हैं, जो सही टेम्परेचर और सही हिसाब से कूटी पीटी छानी जाती हैं और उनसे फिर जो कैप्सूल फॉर्म में बनानी होती हैं कैप्सूल बनाए जाते हैं और जो टेबलेट फॉर्म की होती हैं उनकी टेबलेट्स बनाई जाती हैं और
आप लोगों तक हम पहुंचाते हैं। ये दवाइयाँ खाने के बाद किसी तरह की घबराहट महसूस तो नहीं होती है, किसी तरह की कोई नर्वसनेस महसूस तो नहीं होती, किसी तरह कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? हमारी दवाइयाँ शुद्ध आयुर्वेदिक हैं, 100% आयुर्वेदिक हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट या रिएक्शन नहीं होता जी। बिल्कुल शुद्ध आयुर्वेदिक होने के कारण रिजल्ट थोड़ा सा 2-4 दिन लग जाते हैं असर होने में जी। लेकिन दिन पे दिन फिर प्रोग्रेस नजर आती है। और डॉक्टर साहब, जो पेशेंट है, जो दूरदराज के पेशेंट है या जो कोई ऐसे मरीज है जो विदेश में बैठे हुए हैं, जैसे अगर आपकी दवाई मंगवाते हैं, एक तरह से अगर कभी उनको घबराहट महसूस होती है तो क्या उनको ये दवाई खानी बंद कर देनी चाहिए, क्या करना चाहिए उस समय अगर किसी भी मरीज को ऐसा होता है? नहीं, इसमें दवाई बंद करने की जरूरत नहीं होती जी। आप हमसे फोन पे बात करके और अपनी समस्या का निदान उस टाइम पा सकते हैं और हम जो है उसका फोन पे ही आपको समाधान बता देंगे। क्या हर उम्र के या हर वर्ग के लोगों के लिए एक समान ही दवाइयां दी जाती हैं या इसका ध्यान रखा जाता है? नहीं, इसमें उम्र का और बीमारी की लिमिट का सभी चीजों का ध्यान रख के हमारी दवाइयां दी जाती हैं और उसी हिसाब से टाइम और कोर्स दिए जाते हैं जी। अगर हम कोर्स की बात करें तो कम से कम समय का या ज्यादा से ज्यादा समय का कोर्स कितना होता है यहाँ पे? हमारा जो सेक्स से संबंधित बीमारियां हैं जी, वो 2 से 3 महीने के कोर्स रहते हैं जी। और बाकी जैसे स्पर्म वगैरह के लिए है उसमें थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाता है जी। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर सेक्स से संबंधित हम बीमारियों की बात करें तो कौन कौन सी बीमारियां जो है इसमें शामिल है? इसमें जो बीमारियां हैं, जैसे हम कहते हैं बचपन की गलतियां जी, बचपन की गलतियों से ही ज्यादा बीमारियां पैदा होती हैं जी। जैसे शीघ्र पतन है, ढीलापन है, धात है, या इंद्रिय का छोटापन, पतलापन, टेढ़ापन है, ये स्वपन दोष है जी। ये सभी बीमारियां और ऐसे ही स्त्रियों में जो लिकोरिया है या ये कह लो योनि का ढीलापन है जी, वो सिर्फ बचपन की गलतियों से या छोटी उम्र में सेक्स करने से बनती हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम औरतों की बात करें तो आजकल हर कोई बहुत कॉन्शियस होता है अपनी पर्सनालिटी को लेकर, ब्रेस्ट प्रॉब्लम की किस तरह से सलूशन है आयुर्वेद? ब्रेस्ट के लिए हमारे पास आयुर्वेदिक कोर्स ही है जी। इसमें साथ में हम कैप्सूल गोली के साथ साथ में क्रीम देते हैं जी। क्रीम और कैप्सूल गोली मिलके उसका असर कई गुना हो जाता है जी। और ये कोर्स जो है 3 से 4 महीने का रहता है, इसमें वक्स का छोटापन और ढीलापन दोनों बीमारियां ठीक हो जाती जी। और क्या किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? नहीं, हमारा ट्रीटमेंट प्योर आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट या रिएक्शन नहीं होता जी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, इस शो पर आपने बहुत सारी जानकारियां दर्शकों को दी, लेकिन अब वक्त हो चला इजाजत लेने का, पर हम चाहेंगे आप कोई सुझाव, कोई मैसेज जरूर दो दर्शकों को, क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों को ये सुझाव देना चाहता हूँ या ये कह लो एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मरीज हमें फोन करने से कतराते हैं या घबराते हैं वो बेहिजक हमें फोन कर सकते हैं जी। और अपनी दवाई घर बैठे या हमारी क्लिनिक पे आके मंगवा सकते हैं। जो मरीज विदेश में बैठे हैं वो हमारे अकाउंट नंबर में बेहिजक पैसा डाल सकते हैं और आपकी दवाई पहुंचाना हमारा काम बनता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद शो पर आने का डॉक्टर साहब, वक्त तो हो चला इजाजत लेने का, इस शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, इसके साथ मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाजत, अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे शो पर जिसका नाम है हेल्थ इज वेल्थ। कीप वॉचिंग चढ़ती कला टाइम टीवी। नमस्कार। हेल्थ इज वेल्थ। घरेलू बीमारियां दी समस्या तो ग्रसित जोड़ियां दी जिंदगी विच मुड़ खुशी बहाल करन दा सेरा पा चुके नामवर डॉक्टर गुप्ता जी। इना दे खास योगदान लई इना नु खास तौर पे सम्मानित कीता गया। कई सालां तों सेक्स संबंधी समस्यावां दे इलाज करदे आ रहे ने डॉक्टर गुप्ता जी। दुनिया भर विच प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके ने डॉक्टर गुप्ता जी। जे तुसी वी इस तरह दी समस्या तों ग्रसित हो ते जल्द ही संपर्क करो आनंद क्लिनिक जींद हरियाणा